अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको देख के पता तो चल ही गया होगा ये वीडियो किस बारे में। एक्चुअली मुझे हो गए थे चिकन पॉक्स, लेकिन हर बंदे की तरह और हर पाकिस्तानी की तरह जैसे हमें कोई बीमारी हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम सबसे पहले उसको नेट पर सर्च करते हैं। तो मैंने भी नेट पर सर्च किया। इस वीडियो का मकसद ये है कि जो चीज़ें मुझे पता चली हैं वो आपको इस वीडियो के थ्रू मैं बता सकूं, ताकि आगे आने वाले वक्त में अगर किसी को भी, अल्लाह ना करे हो, लेकिन अगर हो भी, तो आपको पता हो कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चिकन पॉक्स जो बच्चों के अंदर होते हैं और बड़ों के अंदर होते हैं वो सेम वायरस से होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो बड़ों में होते हैं तो वो ज़्यादा रेयर हो जाते हैं, क्रिटिकल स्टेज पे ले आते हैं बंदे को, और बच्चों के अंदर जो है वो इतना इशू नहीं होता, वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाते हैं। तो मुझे चिकन पॉक्स हुए थे, जिसकी वजह से सबसे पहले तो मुझे बुखार हुआ था बहुत ज़्यादा, और 3-4 दिन तक मैं बेड रेस्ट पे था। उसके बाद अचानक से जो है वो मेरी बॉडी पे चिकन पॉक्स निकलना शुरू हो गए थे, जो कि दिखने में कुछ ऐसे थे जैसे कि आप स्क्रीन पे अपनी देख सकते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उस स्टेज से मैं निकल चुका हूँ, और मुझे तकरीबन 11-12 डेज लगे थे ये सारा, मतलब जितने भी ये निशान थे मेरे फेस पे, मेरे हाथ पे और मेरी ऑल ओवर द बॉडी पे, ये सारे ख़त्म हो गए थे तकरीबन 10-12 दिन के अंदर। लेकिन इसकी वजह से वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन रिकमेंड की थी, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ अगली वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो यार, जो मैं मेडिसिन वगैरह ले रहा हूँ और मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है, वो कुछ यहाँ पड़ी हुई हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये ऑगमेंटन दी है उसने, ये इसलिए होती है ताकि जो पिम्पल्स वगैरह है वो हो जाए ठीक। ये दर्द की होती है, जिसम में दर्द भी हो जाता है आपके इससे, और कुछ विटामिन होती हैं। एक विटामिन की है, मैं साइड पिक्चर लगा दूंगा, साइड पे सर्बेक्स है, और एक विटामिन डी की है, वो भी आपको साथ लेनी पड़ती है। आप लोगों ने भी कभी सुना होगा, मैंने भी किसी से सुना ही है, कि चिकन पॉक्स जो है वो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा होते हैं। तो बचपन में मुझे नहीं हुए थे, इस वजह से मुझे इस टाइम हो गए, लेकिन जिसको बचपन में हो जाते हैं आई थिंक उसको फिर बड़े होकर नहीं होते, ऐसा भी कोई सीन है। तो ये एक दफ़ा ज़िंदगी में होना लाजमी होता है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी बॉडी जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है वो निकल जाती है। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है, ताकि आप लोगों को भी अगर ऐसा फील हो कि आपको चिकन पॉक्स हो रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि इसकी जो जब बड़ों में ये हो जाते हैं तो उसके लिए आपको मेडिसिन लेना, और मुझे तो ड्रिप भी लगी थी, और ड्रिप लगना भी ज़रूरी होता है, वरना ये कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल स्टेज पर बंदे को पहुँचा देता है। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर ने मुझे एक लोशन भी रिकमेंड किया था, ये है कैलामाइन लोशन, और इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह वो ठंडक वाला पाउडर होता था ना बचपन में, ये वही काम करता है। ये आप लोशन लगाएंगे तो आपको इचीनेस या इरिटेशन फील नहीं होगी, जो चिकन पॉक्स की वजह से होती है। उसकी वजह ये एक छोटी सी, क्योंकि चिकन पॉक्स को अगर आप रब करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो आपकी स्किन हमेशा परमानेंटली पूरी ज़िंदगी के लिए ख़राब हो सकती है, और धूप में भी नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा था कि धूप में अगर जाओगे आप, तो वो ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, जो कि उन पर इफेक्ट करेगी और आपकी स्किन परमानेंटली यू नो उस पर स्कार्स बन जाएंगे। तो इस वजह से ये कैलामाइन लोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी आप यूज़ करिएगा अगर किसी को फील हो। लेकिन अगर इस तरह का हल्का फुल्का भी सिम्टम नज़र आए ना चिकन पॉक्स का, तो आपने सबसे पहले जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि उससे ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, बड़ों के अंदर ये कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल हो जाते हैं, यकीन माने बस समझ जाएँ आप, क्योंकि गूगल मैंने किया है, लेकिन मैंने इधर उधर से पूछा भी, और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोगों से मैंने बात की है जिनको हुआ था। तो इस वजह से मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, और मैंने सोचा कि ये वीडियो आप तक शेयर कर दूँ। तो इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। ये व्लॉग नहीं था, ये वीडियो थी एक, जिसके अंदर बस मैंने कहा कि अपने व्यूवर्स को मैं अवेयर कर देता हूँ इस बारे में, किसी के लिए फ़ायदेमंद हो भी सकती है वीडियो। जज़ाकअल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।